गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी कंटिन्यू आवर चैप्टर सबट्रैक्शन फॉर क्लास फर्स्ट। चैप्टर सेवन्थ है। हमने इसकी पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब बोरोइंग वाले सबट्रैक्शन देखे थे। आज वापस करते हैं कुछ एग्जांपल। हेडिंग क्या लिखी है? सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। और ये आपको पता चल रहा है, मैंने ऊपर सर्किल राइट किए हैं, तब पता चल रहा है ना कि बोरोइंग वाले सबट्रैक्शन है। और वैसे भी पता चल जाएगा जैसे हम डिजिट देखेंगे। ये क्या डिजिट है? 54 और ये है 27। इसके वंस प्लेस पे क्या है? यहाँ तो 4 है और ये 7 है। अब 4 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, पता है। तो हमें क्या करना है? 4 में से माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे 1 बोरोइंग लेंगे, ठीक है। तो हम इस सर्किल में राइट करेंगे जो बोरोइंग लेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहले क्या करना होता है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो इसको तो कट कर देंगे और इस सर्किल में 4 राइट कर देंगे। और अब इसमें से जो 1 हमने बोरिंग लिया है वो हम यहाँ कितने ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे। तो 4 में 10 ऐड करते ही कितना हो जाएगा? 14। और इस 4 को कट कर देंगे। अब क्या करेंगे? 4 में से माइनस करेंगे 7। 14 में से 7 माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस हो जाएगा। 4 में से हो नहीं रहा था इसलिए हमने बोरिंग लिया है। तो 14 में से माइनस करेंगे, आप लाइन ड्रॉ करके माइनस कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। माइनस कितना करना है? 7, तो 7 लाइन कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और जो अपने पास रही उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ये 7 यहाँ राइट कर दिया, ठीक है। अब वंस प्लेस का काम पूरा हो गया, टेंस प्लेस पे करते हैं। कौन से डिजिट कंसिडर करेंगे? जो सर्किल में राइट की हुई है ना, सर्किल में 4 है, 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो आंसर कितना आया? 27। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या है? 66 में से 48 को माइनस करना है। 6 छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे? बोरिंग लेना पड़ेगा। आपको पहले वंस प्लेस पर डिजिट देखनी है क्या है, मतलब जो ऊपर वाली डिजिट है वो नीचे वाली से छोटी है या बड़ी है। अगर बड़ी है तब तो आराम से माइनस हो जाएगा, और अगर छोटी है तो जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उससे हम बोरिंग लेते हैं। अब इससे लेंगे तो ये तो हो जाएगा 5, और इसमें 10 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये 6 कट हो जाएगा। अब 16 में से 8 माइनस कर देंगे, क्या आएगा आंसर? 8। अब वंस प्लेस पे हो गया सबट्रैक्ट, टेंस प्लेस पे करते हैं 5 माइनस 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे, ये 5 है, 4 माइनस कर दिया तो 1, ठीक है, आंसर आ गया 18। थर्ड करते हैं, 74 और 6 माइनस करना है 74 में से। अब वंस प्लेस पे देखेंगे, वंस प्लेस पे 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 7 से बोरिंग ले लेंगे, तो यहाँ तो 6 और यहाँ 14। अब 14 में से 6 माइनस हो जाएगा आराम से, क्योंकि 14 बड़ा है ना 6 से, तो क्या आएगा आंसर अपने पास? 8। अब 6 में से क्या माइनस करना है टेंस प्लेस पे? 6 में से 0 माइनस करना है, तो 0 माइनस करेंगे किसी भी डिजिट में से तो वही डिजिट आ जाएगी अपने पास, तो आंसर आ गया 6 6। अब हम क्या करेंगे, अपनी बुक है पेज नंबर 73, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई बोट 86 टॉफीज फ्रॉम द मार्केट एंड गेव 63 टू माई फ्रेंड, हाउ मेनी टॉफीज वर लेफ्ट विद मी। मतलब 86 टॉफीज मैंने मार्केट से ली और उसमें से 63 मेरे फ्रेंड को दे दी। अब मेरे पास कितनी टॉफीज हैं, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 86 में से 63, ये लिखा हुआ है। तो 86 6 बड़ा है या 3 बड़ा है वंस प्लेस में? 6 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 3, और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2। तो 23 टॉफी मेरे पास रह गई। फिर सेकंड क्वेश्चन है, स्कूल बस हैड 56 सीट्स, स्कूल बस में 56 सीट हैं। व्हेन आई इंटर्न द बस द एंड टुक द सीट, देयर वर 15 सीट्स लेफ्ट। अब बस में कितनी सीट लेफ्ट हैं जब मैं बस के अंदर चढ़ी तो? 15। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द बस, बस में कितने पीपल है? इसका मतलब क्या है? 56 सीट हैं, उसमें से 15 खाली हैं अब सीट्स, तो जो बाकी है उनमें क्या है? बैठे हुए लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 56 में से 15 माइनस कर देंगे। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 41 पीपल पहले से इसमें बस में हैं और 15 सीट्स खाली हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 88 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36। मतलब एक क्लास है उसमें 88 स्टूडेंट्स हैं,
उसमें गर्ल्स कितनी है, 36। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब क्या है कि 88 स्टूडेंट्स है, उसमें से गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स के नंबर को टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा बॉयज़ के नंबर आ जाएगी। तो माइनस करेंगे 88 माइनस 36, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5। तो 52 क्या है, बॉयज़ है उस क्लास में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, द स्कूल लाइब्रेरी हैड 78 नॉवेल्स। स्कूल लाइब्रेरी में कितनी नॉवेल्स हैं, 78 तो नॉवेल्स हैं। इफ़ द लाइब्रेरी इशूड 25 नॉवेल्स, हाउ मैनी नॉवेल्स आर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। मतलब 25 नॉवल है वो किसी ने इशू करवा ली, अब लाइब्रेरी में कितनी नॉवेल्स हैं। तो माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3, और 7 माइनस 2 5। तो 53 नॉवेल्स हैं वो अब लाइब्रेरी में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, ए फ्रूट सेलर हैड 97 एप्पल्स इन द मॉर्निंग। मतलब एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 97 एप्पल थे मॉर्निंग में। ही सोल्ड 52 एप्पल्स, उसने 52 एप्पल्स बेच दिए। हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने एप्पल्स हैं। तो माइनस करने पर आंसर आ जाएगा, तो वंस प्लेस पे 7 माइनस 2 5, और टेंस प्लेस पे 9 माइनस 5 4। तो 45 एप्पल्स अब उस फ्रूट सेलर के पास हैं। सक्षम हैड 66 रुपीज़, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सक्षम हैज 66 रुपीज़। ही गेव 43 रुपीज़ टू हिज फ्रेंड्स, उसने 43 रुपीज़ अपने फ्रेंड को दे दिए। हाउ मैनी रुपीज़ वर लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने रुपीज़ हैं। तो 66 मतलब सक्षम के पास पहले ये थे रुपीज़ 66, अब 43 उसने फ्रेंड को दे दिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो सक्षम के पास कितने रुपीज़ है वो आ जाएंगे। तो 6 माइनस 3 3, और 6 माइनस 4 2। तो 23 रुपीज़ हैं वो सक्षम के पास अभी लेफ्ट हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, उसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।